यस, तो रिवॉल्यूशन एसएमपी के एंड वॉर की डेट आ चुकी है और उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि मैंने एंड वॉर की कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी। और एक और चीज कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे थे प्रिपरेशन को करने के लिए। सो तो इतनी सारी ग्राइंडिंग करने के बाद फाइनली मेरे पास 20 हार्ट्स आ चुके थे और अब मैं पूरा का पूरा रेडी था एंड वॉर के लिए। Storybox Audio. ओके, सो फाइनली मुझे ड्रैगन एक मिल चुका है, ये देख सकते हो मेरी एंट्री चेस्ट में आप। और अब ये सब सुनो बातें इनकी। लेट्स गो भाई। ओमने, आपको कब ड्रैगन एग मिला? अभी। अरे बाप रे, और कहाँ गया तू? अब इसने उसमें रख दिया एंट्री चेस्ट में, कुछ फायदा नहीं। एंड को ब्लॉक करो, एंड को ब्लॉक करो। बाय बाय। जा ही नहीं सकता अंदर, जा ही नहीं सकता वो। बाय बाय। अबे ये क्या है? ये भाई क्या करोगे फिर भी? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? मैं हूँ, ये मैं हूँ। आ जाओ बस, चलो अब एंड हो चुका है ना सीजन, अब क्या? चलो हो चुका है, अब हो चुका सीजन वन एंड भाई। लेट्स गो। इस ड्रैगन एग मिल चुका है ओम को और ओम है। चलो गाइस, ओम भाई कोई सीजन का विनर। चलो भाई, चलो भाई, रोर गैंग ऑन टॉप गाइस। रिकॉर्डिंग अब मैं इसका रिवॉल्यूशन एसएमपी के सीजन वन का विनर तो मैं बन गया था, उसके साथ साथ मैं इस एसएमपी का सबसे ज्यादा डेडलिस्ट प्लेयर भी बन के रहा था, क्योंकि मैं इस सीजन में एक भी बार नहीं मरा था। और अभी सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अब तो डरने की बात है, ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और एक सब्सक्राइब, मैं एंड वॉर जीत गया उस खुशी में कर दो। और अपने कोई भी दो माइनक्राफ्ट खेलने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना प्लीज। एनीवेज, मिलता हूँ तुम लोगों से रिवॉल्यूशन एसएमपी के सीजन 2 में। टिल दैट, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय। यह